जी, जैसे हमको पता चलता है हदीसों से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तब एक कुएं के अंदर एक जो कंघी में 11 गीटे मारकर वो वहां पे डाल दिया गया था, तो अल्लाह ने बता दिया वहां पर एक कंघी है, उसको 11 आयतें पढ़ के उसे खोलो तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई किसी किसी मिट्टी में कुछ मिट्टी के अंदर कुछ देता है या फिर किसी के अंदर कुछ अंदर डाल के, हमें तो पता नहीं चलेगा, उसका असर खत्म करने के लिए हम क्या करें? शेख भाई ने बहुत अहम सवाल किया है। जी सर, एक ऐसी बीमारी के बारे में सवाल किया है जो हमारे मुआशरे में नासूर बनता जा रहा है। जी हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जादू करते हैं, लोगों के लिए मुख्तलिफ अपने अगराज व मकासिद के लिए जादू करवाते हैं, और आम तौर से उसको नाम क्या देते हैं कि हमने दुआ करवा दिया है। तो सबसे पहले तो ये ऐसे लोग ये जाने कि ये दुआ नहीं है, ये जादू है, और जादू कुफ्र है। हमारी शरीयत में जादू करने वाले, जादू करवाने वाले, उससे राजी होने वाले, इन तमाम लोगों की सजा कत्ल है, कत्ल। ये इतना बड़ा जुर्म है। तो ये जिसको आमतौर से लोग दुआ, तावीज, इस तरह की चीजें कहते हैं हमारे मुआशरे में, और धड़ल्ले से करवाते हैं, जो है औरतों के लिए करवाते हैं, मर्दों के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ के लिए और मुख्तलिफ मकासिद के लिए, ये सब जादू है। चाहे वो कोई मुल्ला मौलवी करे, चाहे कोई पीर फकीर करे, या जो है कोई जादूगर के नाम से मारूफ हो वो करे, ये सब जादू है। तो ये बहुत ही घिनौना जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सजा हमारी शरीयत में कत्ल है, और ये कुफ्र है। अब भाई का सवाल ये है कि अगर किसी ने जादू करवाया है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जादू करवाया गया था एक कंघी में, बाल में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकलवा करके उसको जाये कर दिया था। तो अगर आपको पता चल जाए कि फला चीज में जादू किया गया है, जादू करने वाले बहुत सारे तरीके अख्तियार करते हैं। कभी तो आपको किसी चीज में जादू करके उन्होंने खिला दिया आपको, या जो है किसी चीज में जादू करके कहीं पर दफन कर दिया, कहीं लटका दिया, बहुत तरीके अख्तियार करते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि फला चीज में जादू किया गया है, वो चीज फला जगह दफन की गई है, फला जगह लटकाई हुई है, फला जगह रखी हुई है, अगर वो चीज आपको मिल जाती है तो फिर उस जादू का तोड़ बहुत आसान हो जाता है। उसका तरीका यही है कि वो जो चीज है उस चीज को आप जला दें, जाये कर दें। आप उसको जाये कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। तो उसका एक तरीका ये है, बहुत आसान तरीका। कुछ उलमा को मैंने पढ़ा जो इसके मुतखसिस हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज आपको मिले तो उसको खोलने से पहले आप जो है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, या कुरान की कुछ आयतें पढ़ लें, उसके बाद उसको खोले ताकि आपको उसका कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बहरहाल उसको खत्म करने का ये आसान तरीका है, अगर आपको मिल जाए तो आप उसको जाये कर दें। लेकिन बेशतर केसेस में तो ये नहीं मिलता है ना, बेशतर केसेस में आपको मिलेगा कहाँ पे? जो जादू करने वाला है वो आपको बताएगा थोड़ी कि मैंने फला जगह दफना रखा है या फला जगह छुपा रखा है। और आपके पास कोई वही तो आती नहीं अल्लाह के नबी सल्लम की तरह से कि आपको पता चल जाएगा। तो बेशतर केसेस में 99% या उससे ज्यादा केसेस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सूरत में भी उसका इलाज मौजूद है। आप रुकिया शरिया कीजिए, आप रुकिया शरिया कीजिए, और वो इंशाल्लाह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस कदर आपका यकीन, आपका तवक्कुल, आपका तकवा, आपकी इबादत, आपकी नेकी, जिस तरह से आपके अंदर पुख्तगी होगी, इंशाल्लाह उतनी जल्दी वो खत्म होगा। लेकिन आप ये यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से यकीन रखें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वमा हुम बेदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो जादूगर हैं अपने जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अगर आपने सही से रुकिया किया, अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह ताला के नेक बंदे बने रहे, अपने अंदर तकवा पैदा किया, तो ये चीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जी शेख, अगर मुआज़्ज़तैन और सूरह बकरा पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगी, वही पूछना था। जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल। मैं आपको जो है, देखिए, आप सूरह बकरा और खास तौर से और पूरे कुरान की आम तौर से ज्यादा तिलावत करें। आप सूरह फातिहा कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी इस्तेआत हो उसको पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इस तरह से चारों कुल पढ़ के आप अपने ऊपर दम करें, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करें, इसी तरह से सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयतें हैं उसको पढ़ करके दम करें, और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कई दुआएं हैं, उन दुआओं को पढ़ के आप दम करें बार बार,
और इससे पहले आप जो है नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र अजकार करें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा।